प्रतिबंध के बावजूद नहीं थम रही गोवंश तस्करी। महाराष्ट्र के पालघर में गोवंश तस्करी का खुलासा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी अवैध तस्करी की जानकारी। 21 मवेशियों समेत एक पशु तस्कर गिरफ्तार। गोवंश की तस्करी पर प्रतिबंध के बावजूद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार देर रात मुंबई से सटे पालघर जिले में शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ गोवंश से भरे एक टेम्पो को पकड़ा, जिसके बाद वानगांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी के मामले का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों से पशु तस्करी की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने 21 गोवंश सहित एक पशु तस्कर लियाकत शेख को गिरफ्तार किया है। वानगांव के सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र गरड ने पत्रकारों को बताया कि उनको गोवंश से भरे टेम्पो के इसी इलाके से गुजरने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर रेलवे फाटक के करीब स्थानीय लोगों की मदद से टेम्पो को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें पुलिस को 21 गोवंश मिले और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। वानगांव के रहवासी विनय पवार को जानकारी मिली कि चारोटी से वानगांव तरफ एक टेम्पो में गोवंश आ रहा है। ये माहिती के अनुसार पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेलवे फाटक के ऊपर ट्रैप लगा के संशय टेम्पो पकड़कर उसमें से 21 गोवंश बरामद कर दिए। इस मामले में वानगांव पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज करके जांच चालू है। गौवंश की तस्करी की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना, मनसे गौरक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे और पशु तस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। गौरक्षकों ने गौवंश तस्करी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है, क्योंकि पशु तस्कर गौ प्रेमियों पर जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। अभी रात को मेरे को फोन आया कि वानगांव ईस्ट में कुछ वानगांव के स्थानीय लोगों ने कुछ गाय का टेम्पो पकड़ा है जो गांव तस्करी करते हैं, और वही टेम्पो को उन्होंने पकड़ के रखा और हमें वहां से उन्होंने फ़ोन किया। वैसे ही हम वहां से दानू से वानगांव आए और पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन किया, वो लोग भी स्थानीय स्थल पर आ गए और जैसे ही वहां गए वहां टेम्पो था, टेम्पो के अंदर के ड्राइवर फरार हो चुका था और टेम्पो वहीं था, और स्थानीय लोगों की मदद से वो टेम्पो को पकड़ के वानगांव पुलिस स्टेशन के हद में हमने उसको ताबे में दिया है और आज के आज उसको FIR दर्ज किया है और सभी गायों को सकुवार जीवदया गौशाला में भेज दिया गया है। टेम्पो नंबर M804CG1257। ऐसे बहुत से तस्करों का इधर जोड़ में काम चल रहा है, डानू में भी बहुत जगह पे हमारे गौरक्षकों पे हमला भी हुआ है। वो पूरे हथियार के साथ आते हैं, पत्थर मारते हैं। अभी सावटा हनुमान जी मंदिर पे भी उन्होंने टेम्पो लेके इसी तरह से गाय पकड़ने की कोशिश की है और उनका पूरा CCTV कैमरा के अंदर पूरा उनका रिकॉर्ड हो चुका है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से और पुलिस दल से जल्द ऐसे गौ तस्करों को नकल डाले, उसको पकड़े और उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही हो, यह हमारी गौ रक्षा दल की तरफ से आपको एक विनती है। मंगलवार देर रात हुई पशु तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पालघर जिले की वानगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाख कोशिश के बावजूद भी पशु तस्करी का मामला थमने से नजर नहीं आ रहा है। ऐसा एक मामला पालघर जिले के वानगांव पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, जिसमें 21 पशुओं के साथ एक पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि इस तरह के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर लगाम लगती है या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। नागनाथ बाबर, N24 न्यूज, पालघर।